आपका क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन. क्या दिया है? 2x बाय x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 5 बाय x माइनस 3 इज इक्वल टू 25 बाय 3. ठीक है ना? तो इसमें हम कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो डिनोमिनेटर में क्या है, x माइनस 4 एंड x माइनस 3. तो हम क्या करेंगे, जस्ट वी विल टेक द एलसीएम ऑफ दैट. ठीक है, तो हमने क्या किया, उसका एलसीएम ले लिया. तो एलसीएम क्या आ गया आपका, एलसीएम ऐसे का एलसीएम क्या आता है आपका, जस्ट मल्टीप्लाइड. तो आपका आ गया x माइनस 4 एंड x माइनस 3, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया. तो अब ऊपर की तरफ आपका क्या आ जाएगा, 2x इंटू दिस वन, जहां पर x माइनस 4 है, दैट मीन्स आपको इसको इसको मल्टीप्लाई करना है. तो दैट इज योर x माइनस 3, साइन इज प्लस, फिर आपका है 2x माइनस 5. तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या है x माइनस 4. ठीक है, दैट इज इक्वल टू 25 बाय 3. ठीक है ना? अब इसको हम सॉल्व करते हैं. तो हमारा देखो क्या से आ रहा है, 2x इंटू x इज 2x स्क्वायर, माइनस साइन इज देयर, 3 इंटू 2 इज 6x, प्लस नाउ 2x इंटू x इज 2x स्क्वायर, माइनस 2x इंटू 4 इज 8x. नाउ माइनस 5 वाले से करो, माइनस 5 इंटू x इज माइनस 5x. नाउ माइनस 5 इंटू माइनस 4 इज प्लस 20 बाय, नाउ इसको भी आपको मल्टीप्लाई करना है. तो x इंटू x इज x स्क्वायर, x इंटू माइनस 3 इज माइनस 3x, माइनस 4 इंटू x इज माइनस 4x, माइनस 4 इंटू माइनस 3 इज प्लस 12, दैट इज इक्वल टू 25 बाई 3. ठीक है ना? अब आपको क्या करना है, पहले सॉल्व कर लो क्या x में है, क्या 2x में है, क्या कांस्टेंट में है. ठीक है ना? तो देख दो हम क्या, हमारा क्या हो रहा है, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इज 4x स्क्वायर. ना तो माइनस 6x माइनस 8x माइनस 5x कितने हो रहे हैं, देखो एवरीथिंग इज माइनस, तो साइन विल कम माइनस. ठीक है ना? माइनस 6 माइनस 8 कितना हो गया, माइनस 14, माइनस 14 माइनस 5 इज माइनस 19, तो माइनस 19x, एंड क्या है इधर प्लस 20 बाई. नाउ इसको सॉल्व करो, आपका है एक्स स्क्वायर, फिर है माइनस 3x माइनस 4x इज माइनस 7x प्लस 12, दैट इज इक्वल टू 25 बाई 3 दिस वन. नाउ अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो. ठीक है नाउ? तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, इसको यहां से शुरू करो, 25 एंड दिस, तो आपका क्या आएगा, देखो यू विल गेट 25 एक्स स्क्वायर माइनस 7 इंटू 25 इज 175, तो 175 एक्स प्लस 12, दैट मीन्स कितना हो गया आपका, 4 इंटू 3 इज 300 है ना, तो आपका हो गया 300, क्योंकि 25 इंटू 4 इज 100, तो कितने हैं इसमें, 3 टाइम्स, तो 300, दैट इज इक्वल टू, नाउ 3 से करो, 3 4 जा 12, तो आपका आ गया 12 एक्स स्क्वायर, 3 इंटू 19 क्या हो गया, माइनस 57 एक्स, 3 9 जा 27, 2 कैरी 3 एंड 57, ठीक है, प्लस 60. ठीक है नाउ अब सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है, दैट मींस वी हैव टू ब्रिंग ऑल दिस इन वन प्लेस, दैट मींस लेफ्ट साइड. ठीक है,
तो क्या होगा, जो राइट में है उनके सबके साइन विल गेट चेंज्ड, और राइट में क्या बच जाएगा, ओनली जीरो। तो आपका क्या आ गया, देखो 25x² -175x + 300 और +12 है तो क्या हो जाएगा, -12x² -57x है तो क्या हो जाएगा, +57x, +60 है लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, -60, दैट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, ये देखो कैलकुलेट करो, 25x² -12x² इज 13x². ठीक है ना, -175 एंड हियर इट इज 57, तो आपका क्या हो रहा है करके देखो, 57x इज देयर, सॉरी नाउ, तो 5 में से 7 गया, दैट मींस 15 में से 7 गया 8, तो आपका आ गया 8। नाउ या 6, 6 में 5 गया इज 1 एंड 1, तो 118x। नाउ +300 -60 इज +240, दैट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है नाउ, तो क्या ये 13 में जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, जस्ट वी विल टेक ए इंटू सी। ठीक है, तो ए इंटू सी आपका क्या होगा, देखो 13 × 240 तो कितना हो गया, 13 × 240, 4 3s are 12, 1 carry 4, 1 the 4, 1 5, 2 से करो 6 and 2, तो आपका आ गया 3120, 3120, दैट मीन्स हमने क्या किया, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया ए इंटू सी। नाउ अब 3120 के फैक्टर्स निकालेंगे हम, तो दैट वी इट कैसे आना चाहिए, 118 आना चाहिए आपका। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, इसके फैक्टर्स निकाले, तो फैक्टर्स हमारे कहां से शुरू होंगे, जस्ट वी विल गो फॉर 5। ठीक है, तो क्या हो गया आपका, 6, 2 and 4। ठीक है ना, अब फिर हमने 2 से किया तो हमारा आ गया 312, 312, फिर हमने 2 से किया हमारा क्या आ गया, 6, sorry not 6, 156, फिर हमने 2 से किया हमारा क्या आ गया, 78, फिर 2 से किया हमने तो हमारा क्या आ गया, 39, फिर 3 से किया आपका आ गया। नाउ अब आपको क्या करना है, देखो यहां पर 5, 2, 2, 2, 2, 3 and 13, इसको इस तरह से मैच करना है कि इट शुड कम -118। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, इसके अंदर देखो 13 × 3 इज 39, 39 × 2, 39 × 2 इज 78, तो ये हो गया आपका 78। और यहां पर देखो 5 × 2 इज 10, 10 × 2 इज 20, 20 × 2 इज 40, तो यहां पर आपका हो गया 40, तो 40 + 78 इज 118, तो दैट मीन्स आपको माइनस करना है, तो हमने क्या किया, -40 लिया एंड -78 और मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। ठीक है ना, तो आपका कैसे आएगा, देखो 13x² -40x - 78x + 240, दैट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, अब क्या करना है आपको, ये दोनों में कॉमन क्या है, 13 और 40 में नथिंग इज देयर, दैट मीन्स ओनली एक्स इज कॉमन, तो हमने क्या किया, एक्स इज कॉमन, तो एक्स हमने कॉमन लिया,
तो आपका क्या आ गया 13x माइनस 40। ठीक है नाउ, और यहां पर मैंने कहा जब भी माइनस आएगा जस्ट टेक माइनस एज अ कॉमन, तो हमने माइनस कॉमन लिया। नाउ 78 एंड 240, तो ये आपका कैसे जा रहा है, ये दोनों के अंदर क्या कॉमन है आपका, वी हैव टू फाइंड आउट दैट ओनली। तो हमने क्या किया 78 एंड 240, दैट मींस आपका क्या हो गया 78 इंटू 5। देखते हैं 78 इंटू 5 कितना होता है, 300 समथिंग। नहीं तो जस्ट 78 एंड 240 का हम क्या करेंगे, जस्ट वी विल टेक लिटिल एलसीएम टाइम एचसीएफ 78 एंड 240। तो क्या हो गया आपका 4 से जा रहा है तो आपका आ गया 1 एंड 38, नहीं जा रहा 2 से जा रहा है तो 39 39, और यहां पर क्या हो गया आपका 120, तो दैट मीन 3 से जा रहा है तो ये हो गया आपका 13 और ये हो गया 40, है ना। तो दैट मीन 6 इज कॉमन, तो वी विल टेक 6 एज अ कॉमन। तो हमने क्या किया 6 कॉमन ले लिया, तो अब आपका क्या आ गया 78 में 13, तो 13x माइनस 40, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। नाउ आउटर और इनर एक एक बार लेना है, तो हमने क्या किया x माइनस 40 और दूसरा हमने ले लिया 13x माइनस 40, x माइनस 6 एंड 13x माइनस 40, दैट इज इक्वल टू 0। तो अब आपका क्या आ गया, देखो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 में क्या आ गया आपका x इज इक्वल टू 6, है ना। माइनस 6 राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और 13x माइनस 40 इज इक्वल टू 0 में क्या हो गया आपका, आपका हो गया 13x इज इक्वल टू 40, तो x इज इक्वल टू 40 बाई 13, तो x की वैल्यू आपकी 6 आ गई एंड दूसरी क्या है 40 बाई 13। ठीक है, तो आपको इस तरह से इसको करना है।